सॉरी एक सेकेंड, अभी कुछ रहता है, प्लीज आप कर लो पूरा। लेटर ना, आई थिंक अवार्ड के पर अवार्ड की बात ज्यादा बेटर रहेगा ना गाइस। हेलो हेलो क्या भाई, क्या कहना चाहेंगी इस मौके पर? सॉरी एक सेकेंड, अभी कुछ रहता है, प्लीज़ आप कर लो पूरा। डोंट वेट, पहले कर लो ना, पहले कर लो। आई एम हियर, ओके। यस, यू डन? ओके, अच्छा। क्या कहना चाहेंगे आज के इस इवेंट पर? आप यहाँ पर क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुशी है, मैं यहाँ पे हूँ और काफ़ी एक्साइटेड हूँ, नॉमिनेटेड हूँ। तो ऑब्वियसली मेरे लिए ना ये बड़ी नई जर्नी एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर। सो मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी ऐसे ऐसा भी मौका मिलेगा कि मुझे मैं नॉमिनेटेड होंगी एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर। तो कभी वरना हमेशा डांसर के रूप में मुझे देखा जाता था, या सब लोग जो जानते हैं संभावना को वो डांस के उससे माध्यम से जानते हैं। लेकिन ये बड़ा नई चीज़ है मेरे लिए और मैं ना बड़ा इन्जॉय कर रही हूँ इस फेज को, कि एक इज्जतदार फेज है ये कह सकती हूँ। सो बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। अरबाज जी से मैं ना बहुत साल पहले मैं कॉमेडी शो में मैंने परफॉर्म किया था और तब मुलाकात हुई थी। अब उसके बाद आज मुलाकात हो रही है। ऑब्वियसली उनको तो याद नहीं होगा लेकिन मुझे याद है। चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक मेकिंग लेना। बहुत आला दर्जे की फीलिंग है, मजा आ रहा है। या सॉरी कैमरे में देखिए। ये अवार्ड मिला थोड़ा सा बताइए। सो मुझे मिला है अवार्ड ऑफ क्वीन ऑफ वर्सेटैलिटी
तो ये एक बहुत बड़ा इंकरेजमेंट और मोटिवेशन है मेरे लिए कि मैं अपनी वर्सेटैलिटी से अलग अलग चीज़ करके आप लोगों को एंटरटेन करूं। और आई थिंक ये वक्त में मुझे बहुत सही अवार्ड मिला है क्योंकि अब बहुत जल्दी मेरा खुद का गाना बतौर सिंगर आने वाला है, एक दो हफ्ते में। चलिए आप एक्सक्लूसिवली बता देती हूँ, वो गाने का नाम है हाथ ना आने वाली बीन। इसका शूट मैंने थाईलैंड में किया था और मुझे जो पंजाब के बहुत बड़े सिंगर है शेरीमान सर, उन्होंने मुझे बोला था कि आप एक कंप्लीट परफॉर्मर बन सकती है। तो वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि मुझे खुद की आवाज़ में गाना गाना चाहिए। तब सना सुल्तान सिर्फ एक्टर नहीं, आपको ऐसे कंप्लीट परफॉर्मर देखने मिलेंगी जो गाना भी गाती है, जो स्टेज परफॉर्म भी करती है और बहुत जल्द कॉन्सर्ट भी करने वाली है। यूनिवर्सल एमिनेंस अवार्ड्स है, ये फर्स्ट सीजन है
और दिस इज़ टू ऑनर पीपल हु हैव एक्सेल्ड इन देयर प्रोफेशंस एंड इट्स अ वेरी गुड एनकरेजमेंट ताकि ये यू नो पीपल फील एनकरेज एंड इंशाल्लाह दिस विल बी अ सक्सेसफुल इवेंट विच विल एनकरेज देम टू डू फार मोर ईयर्स एंड सीजंस एंड मोर अवार्ड फंक्शंस या बॉलीवुड इंडस्ट्री की हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर तड़का बॉलीवुड को करें सब्सक्राइब।